नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। आपको बता दें, के पाठक अभी छुट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन के पाठक के छुट्टी पर जाने पर शिक्षकों पर भारी गाज गिरी। आपको बता दूं कि शिक्षकों के चलाकी के वजह से क्या कुछ शिक्षकों को सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ होते जा रहा है शिक्षकों के साथ, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद भी शिक्षकों पर एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को 385 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने एक्शन ले लिया है। 73 जांच कर्मी पर भी गाज गिरी है। यह कार्यवाही जिला के 2200 सरकारी विद्यालयों के शिक्षक के ऊपर हुई है। इन शिक्षक और कर्मियों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्यवाही की जाएगी। आपको बताते चले, के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद बिहार में शिक्षकों के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया गया है। के पाठक की उपस्थिति में भी लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ एक्शन हो रहा था। जून के बाद जहां सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने के बाद निरीक्षण का तरीका बदलने जा रहा है, वहीं इससे पहले मई में जिला के सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण और शिक्षकों पर कार्यवाही का रिकॉर्ड टूट गया। इस महीने विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित मिले रिकॉर्ड 172 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काट लिया गया है। इसके अलावा विद्यालय जांच में लापरवाही बरतने पर 140 शिक्षा सेवकों के भी एक दिन के वेतन की कटौती की गई है, जबकि निरीक्षण में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर 73 जांच कर्मी का भी एक दिन का वेतन काट लिया गया है। यह कार्यवाही जिला के 2200 सरकारी विद्यालयों के नियमित जांच के दौरान अनुपस्थित और लापरवाही पर की गई है। इस डर से अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति का समय ठीक हो गया है। ग्रीष्मावकाश होने के बावजूद शिक्षक बिना देरी के विद्यालय पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जांचकर्ता भी बिना समय गवाए स्कूलों का निरीक्षण करने दूर दराज गांव तक पहुंचते रहे। इस जांच में सभी शिक्षा सेवक यानी टोला सेवकों को लगाने के साथ ही बीआरसी और जिला कार्यालय के भी अधिकांश कर्मियों को लगाया गया था। राहत की बड़ी बात यह है कि जून में नए एसएस के आने के बाद वेतन कटौती की कार्यवाही बंद की कर दी गई है। अनुपस्थित शिक्षक और कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, एक तरफ के पाठक छुट्टी पर गए हैं और इसी पर आपको बता दूं कि शिक्षकों की चलाकी के वजह से काफी 385 शिक्षकों पर गाज गिरी है। आपको वहीं पर बताते चले कि जिस तरीके से छुट्टी लेने के बाद भी शिक्षक काफी लेट से आ रहे थे, उसी बीच आपको बता दूं कि जैसे ही के पाठक छुट्टी पर जाते हैं, यहां टीचरों के साथ खेला हो जाता है, शिक्षकों के साथ खेला हो जाता है। बाकी इस मुद्दे पर आप सबकी क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।